हेलो कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। मैं सीमो के एग्ज़ाम को आगे बढ़ाते हुए आज एक नया टॉपिक निर्णयन अर्थात डिसीजन मेकिंग पर चर्चा करूंगा। निर्णयन यार निर्णय करना, हर व्यक्ति को कभी न कभी हम हर पल में हर समय में कुछ न कुछ निर्णय जरूर करना पड़ता है, अर्थात दो विकल्प में से एक विकल्प को चुनना ही निर्णय है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति की दैनिक पारिवारिक गतिविधि से लेकर बड़े बड़े सरकारी संगठनों अथवा उद्योगों तक सभी में प्रति क्षण कोई ना कोई निर्णय होता रहता है। वस्तुतः निर्णय करना अथवा निर्णयन मानव की स्वाभाविक आवश्यकता तथा विशेषता है। प्रशासनिक व्यवहार के अध्ययन के क्षेत्र में अग्रणी चिंतक हर्बर्ट साइमन ने माना है कि निर्णयन प्रशासन का हृदय बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर पूछता है निर्णयन प्रशासन का हृदय कौन कहता है, तो हर्बर्ट साइमन। इसी प्रकार विचार जॉर्ज अट्टेरी के, उनके अनुसार प्रबंधकों प्रशासकों का जीवन ही निर्णय लेना, ये भी क्वेश्चन बनता है प्रबंधकों या प्रशासकों का जीवन ही निर्णय लेना किसने कहा, तो जॉर्ज अट्टेरी ने कहा। निर्णय लेना जितना सरल दूसरों को प्रतीत होता है उससे कहीं अधिक जटिल और भारी निर्णयकर्ता को लगता है, इसलिए कहा जाता है कि लोग निर्णय करने की अपेक्षा तोप का सामना करना अधिक अच्छा समझते हैं। प्रबंध चिंतन के पितामह पीटर अब ड्रकर मानते हैं कि प्रबंधक जो कुछ भी करता है वह निर्णयों के द्वारा ही करता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। वास्तव में निर्णय कई विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करने का पर्याय है, लेकिन कौन सा विकल्प तत्कालीन परिस्थितियों भावी संभावनाओं उपलब्ध संसाधनों तथा संगठन के लक्ष्यों के अनुरूप सर्वाधिक उपयुक्त है इसका निर्णय करना भी सरल नहीं है। एक कुशल नेतृत्व नियंत्रण समन्वय और मनोबल वृद्धि से संबंधित कृत निस्संदेह कुशल निर्णय पर आधारित है। चलिए कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। अर्थ या मीनिंग, टेरी के अनुसार दो या अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक व्यावहारिक विकल्प का चुनाव चुनना ही। मैकफॉल्ट के शब्दों में निर्णय लेना चयन की एक क्रिया है जिसमें कोई प्रबंधक किसी विशिष्ट दी हुई या मिली हुई परिस्थितियों में इस मत पर पहुंचता है कि क्या किया जाना चाहिए। निर्णय किसी व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है जिसका चयन अनेक संभव विकल्पों में से किया जाता है। जीएसएस सेकल के अनुसार निर्णय लेना रचनात्मक मानसिक क्रिया का वह केंद्र बिंदु है जहां कार्य कृत्य के लिए ज्ञान विचार भावना तथा कल्पना का संयोग होता है। बर्नार्ड के अनुसार निर्णय मुख्यतः विकल्पों को सीमित करने की तकनीकी है, छोटा सा परिभाषा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अनर्टे डेल के शब्दों में प्रबंधकीय निर्णयों से आशय उन निर्णयों से है जो प्रबंधकीय क्रियाओं जैसे नियोजन संगठन कार्मिक प्रशासन नियंत्रण नवाचार तथा प्रतिनिधित्व के दौरान लिए जाते हैं। लुंडबर के अनुसार प्रशासनिक निर्णय एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति संगठन के दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए एक निर्णय करता है ताकि वे व्यक्ति संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना योगदान दे सके। हेमन के अनुसार निर्णय निर्धारित की गई एक स्थिति है जो कार्य के वास्तविक निष्पादन से पूर्व की जाती है या पूर्व आती है। हर्बर्ट साइमन के निर्णयन को प्रबंध या प्रशासन का हृदय मानते हुए सभी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को निर्णयात्मक प्रक्रिया करार दिया, अर्थात प्रशासन में जो कुछ घटित होता है वह निर्णयन में ही संबंधित है। साइमन के अनुसार निर्णयन को हम पूर्व विचारों में से निकाले गए निष्कर्ष मान सकते हैं, यह निष्कर्ष बड़े निर्णयों के लिए पूर्व विचार बन जाते हैं। इतने सारी परिभाषा देने का मतलब मेरा औचित्य है कि पिछले बार के क्वेश्चन में ज्यादातर परिभाषाओं को उठा के रख दिया था, एक नजर आप लोगों को इन परिभाषाओं को देखकर जाना है। अगर इनकी विशेषता की बात करूं तो हर्बर्ट साइमन के अनुसार निर्णयन कार्य संबंध कार्य संगठन के प्रत्येक स्तर तथा प्रत्येक कार्मिक द्वारा किया जाता, माने ऊपर लेवल से नीचे लेवल तक हर आदमी निर्णयन करता है। निर्णयन एक ऐसी प्रक्रिया निरंतर जारी है, हर स्तर पर हर समय जारी रहती है। प्रत्येक निर्णय किसी एक मुद्दे से संबंधित है, कोई उद्देश्य होना ही चाहिए। कोई भी निर्णय हो वह निर्णयकर्ता के ज्ञान व्यवहार संगठन की प्रकृति से संबंधित या प्रभावित करता है, सर्वाधिक प्रभावित करता होता है। निर्णयन का मूल आधार विवेकशीलता है, नो डाउट। निर्णयन में दो या कई संभावित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन किया जाता है।
किसी प्रकरण में यह सोचना कि अभी निर्णय नहीं करना है तो यह भी एक निर्णय है। प्रत्येक निर्णय उद्देश्य युक्त होता है, अर्थात बिना किसी उद्देश्य के कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। निर्णय अपने आप में साध्य लक्ष्य न होकर साध्य तक पहुंचने का एक साधन होता है। निर्णय में समय तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि समय अपने आप में एक संसाधन तथा प्रभावकारी कारक है। अगर समय निकल गया तो फिर समय के बाद निर्णय करोगे तो कोई मतलब नहीं निकलता है। जैसे बोलते हैं ना, चोर चोरी करके चला गया तब सोच रहे हैं तो कोई मतलब नहीं। निर्णय का स्वरूप तथा प्रभाव सकारात्मक अथवा नकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। प्रत्येक निर्णय में वचनबद्धता, दृढ़ता, स्पष्टता दिखाई दे यह हमेशा आवश्यक नहीं है, तथापि इस प्रकार के निर्णयों का प्रयास अवश्य किया जाता है। अधिकांश निर्णय वास्तविकता से मिलते जुलते हैं और निर्णय मूल्यांकन तथा विश्लेषण पर आधारित होता है, तथा निर्णयों का भी मूल्यांकन एवं विश्लेषण हो सकता है। अब हम लोग अगर देखते हैं निर्णय के आधार या सिद्धांत, तो वैधानिकता है। सर, कोई भी निर्णय लोगे तो कानून के दायरों में ही लोगे, माने उसमें वैधानिकता तत्व तो नियति होना चाहिए। प्रशासनिक संगठन का प्रमुख आधार कानून होता है, अतः कोई भी निर्णय लेने से पूर्व यह देखना आवश्यक है कि वह निर्णय निर्धारित कानून तथा नियमों की सीमाओं का उल्लंघन न करे। निर्णयकर्ता के पास उस निर्णय की सत्ता या वैधानिक सक्षमता होनी अनिवार्य है। उद्देश्य भी इंपॉर्टेंट है, कि प्रत्येक निर्णय किसी न किसी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। उचित समय, पहले ही बोला कि जब समय निकल गया तब निर्णय करने से कोई मतलब नहीं। जैसे आप लोग एग्जाम देते हो यार, एग्जाम का डेट निकल जाए इसके बाद बोले मुझे भरना चाहिए था, तो यार वो समय ही नहीं रह गया। वो तो निर्णय का समय तत्व बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। समय तत्व की बात पूर्णता होनी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी अथवा अन्य कोई कार्मिक जब निर्णय ले तो उसे चाहिए कि वह उस निर्णय संबंधी सभी घटकों, तत्वों और आयामों को स्पष्ट रूप से विचार कर ले। इसमें व्यावहारिकता के तत्व भी होते हैं। निर्णय ऐसा होना चाहिए जिसे व्यावहारिक रूप से लागू किया जा सके, अर्थात संगठन में उपलब्ध संसाधनों, नियमों, प्रक्रियाओं और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश में वह निर्णय कार्यान्वित हो सकता है। बहुत सारे निर्णय, जैसे मैं छोटा सा आपकी बात करूं कि दूसरे जो फॉरिन कंट्री होते हैं उनमें क्या होता है कि 10 साल बाद कोई भी मोटर वाहन रिटायर हो जाते हैं, उसको हटा दिया, वो नहीं चल सकती सड़क में। भारत में इस प्रकार का निर्णय नहीं लिया जा सकता। अगर ले हमारे यहाँ तो एक एक जो मोटर गाड़ी या कार होती है 20 20 साल 30 30 साल से चलती, सेकेंड हैंड है। यहाँ पर इस प्रकार का निर्णय लेना व्यावहारिक नहीं माना जाएगा। अधिकतम लाभ की बात किया जाए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा निर्णय जिसमें सर्वश्रेष्ठ लाभ हो, अधिक से अधिक लाभ हो। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारक भी इंपॉर्टेंट है। लोक प्रशासन संबंध अथवा निजी क्षेत्र दोनों के संगठनों को एक विशेष परिस्थिति में कार्य करना पड़ता है। तार्किकता इसमें होती है। संगठन में जो भी निर्णय लिया जाता है उसे औचित्यपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि इसी से निर्णय की वैज्ञानिक प्रकृति सिद्ध हो सकती है। गतिशीलता, परिवर्तन सब प्रकृति का नियम है और निर्णय को भी गतिशील होना चाहिए और समाज के अनुरूप होना चाहिए, माने परिवर्तन एक अवस्था तत्व स्वाभाविक प्रक्रिया। अतः संगठन में आंतरिक एवं बाह्य वातावरण तथा संरचना में होने वाले परिवर्तनों और सुधारों के अनुरूप निर्णय में गतिशीलता से युक्त होना चाहिए। प्रतिक्रियाओं का पूर्वानुमान हमें यह भी होना चाहिए कि मेरे को इस निर्णय लेने के बाद प्रतिक्रिया क्या क्या जूझना होगा। संगठन में चाहे किसी भी स्तर पर तक किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्णय लिया जाए, उस निर्णय पर अन्य व्यक्तियों की प्रतिक्रिया अवश्य होती है, जो कि संगठनात्मक निर्णयों की प्रकृति सामूहिकता को प्रभावित करती है। निर्णय के प्रकार में देखूं तो कार्यक्रमिक और अकार्यक्रमिक निर्णय। हर्बर्ट साइमन ने सभी प्रकार के निर्णय को 2 श्रेणी, कार्यक्रमिक और अकार्यक्रमिक निर्णय में व्यक्त किया। वैसे इतना ही काफी है सर, उससे ज्यादा जरूरत नहीं, फिर भी बता देता हूँ इसको कि साइमन के अनुसार कार्यक्रमिक और दैनंदिन निर्णय वे होते हैं जो दिन प्रतिदिन के कार्यों से संबंधित होते हैं तथा जिनकी एक प्रक्रिया पहले से ही निश्चित की हुई होती है। नैतिक और पुनरावृत्ति प्रकृति के निर्णय सरल प्रतीत होते हैं, क्योंकि इनकी एक निश्चित और सुव्यवस्थित प्रणाली निर्धारित रहती है। प्रशासनिक संगठनों में कार्मिकों को वेतन देना, अवकाश स्वीकृत करना, रिपोर्ट भेजना इत्यादि कार्यक्रमिक निर्णय है, जबकि अकार्यक्रमिक निर्णय वे होते हैं जो किसी परिस्थिति विशेष कारण एक नई समस्या के रूप में सामने आते हैं और जिनका पूर्वानुमान नहीं रहता है। तो आपको याद करना है यार, कार्यक्रमिक और अकार्यक्रमिक किसने बांटा है, तो हर्बर्ट साइमन, इससे ज्यादा नहीं। व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक निर्णय, चेस्टर बर्नार्ड के निर्णयों को व्यक्तिगत और संगठनात्मक श्रेणी में व्यक्त किया। इनके अनुसार व्यक्तिगत निर्णय वे होते हैं जो कोई अधिकारी अपनी व्यक्तिगत स्थिति में लेता है,
तथा इन निर्णयों में किसी के भी हस्तक्षेप नहीं रहता। ऐसे निर्णयों का अधिकार प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता। संगठनात्मक निर्णय वे हैं जो अधिकारी द्वारा अपनी पद स्थिति के कारण लिए जाते हैं तथा इन निर्णयों का अधिकार का प्रत्यायोजन भी किया जा सकता है। नियोजित एवं अनियोजित निर्णय आर एस किलियंस के निर्णयों के नियोजित और अनियोजित रूप में बांटता है। किलियंस की दृष्टि से नियोजित निर्णय वे हैं जो तथ्यों पर आधारित होते हैं तथा इनमें प्राय वैज्ञानिक रीति का प्रयोग किया जाता है, जबकि अनियोजित निर्णय अवसर आने पर लिए जाते हैं। इन निर्णयों की प्रक्रिया सरल नहीं रहती और न ही ये संस्था के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अनियोजित निर्णय उलझन और समस्या की कमी को बताते हैं। नीति प्रशासनिक तथा कार्यकारी निर्णय अर्नस्ट डेल के अनुसार प्रशासन के तीन प्रकार के निर्णय होते हैं। संगठन के उच्च स्तर पर लिए जाने वाले निर्णय, वित्तीय व्यवस्था, विपणन संरचना, समान उद्देश्य संबंधित निर्णय और नीतिगत निर्णय होते हैं। इनके शैलियों की बात किया जाए तो पहला शैली आता है निर्देशात्मक शैली, अर्थात ऐसा निर्णय जो निर्देशों के अनुसार चलो यार, ये सरल प्रकार के निर्णय होते हैं। जिन व्यक्तियों निर्णय कर्तों का अनेकार्थी शब्दों या प्रकरणों को अथवा उलझी हुई परिस्थितियों के सहने की क्षमता कम होती है तथा जो तार्किकता को पसंद करते हैं, कम सूचनाओं से निर्णय लेते हैं तथा कुछ विकल्पों का सहारा लेते हैं, तो वे निर्देशात्मक शैली का निर्णय करता होते हैं। इस प्रकार की शैली में तुरंत निर्णय होता है तथा अल्पकालीन दृष्टि किंतु कार्य कुशलता संबद्ध निर्णय होता है। विश्लेषणात्मक शैली की बात किया जाए तो इस शैली में उलझी हुई परिस्थितियों के सहने की अधिक क्षमता होती है। निर्णय से अधिक सूचनाओं तथा अधिक विकल्पों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का निर्णयकर्ता सावधानी से निर्णय लेने वाले होते हैं एवं नई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। अवधारणात्मक शैली की बात किया जाए तो इस प्रकार के निर्णयकर्ता अपनी सोच में व्यापक दृष्टि रखते हैं, कई विकल्पों का सहारा लेते हैं तथा उनका मुख्य ध्यान दूरगामी प्रभावों पर होता है। इस शैली में समस्याओं का सृजनात्मक हल ढूंढना सरल होता है। व्यवहारात्मक शैली की बात करूं तो इस प्रकार के शैली में निर्णयकर्ता दूसरों के साथ कार्य करने में रुचि लेता है। व्यवहारात्मक शैली में उच्च अधिकारी और अधीनस्थों दोनों की उपलब्धियां तथा सुझावों सहित समूह चर्चा का स्वागत किया जाए। इस प्रकार के प्रबंध या निर्णयकर्ता प्रायः संघर्ष को टालना चाहते हैं तथा सहमति को बढ़ावा देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों को शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी